इन क्वेश्चन नंबर 54 एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू टेन इनवर्स 6x रूट x अपॉन 1 माइनस 9x क्यूब, जहाँ पे x 0 से 1 बाई 4 के बीच में है। द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज गिवन इन दिस फॉर्म रूट x इंटू जी एक्स। हमें बतलाना है कि जी एक्स क्या आएगा और उसके लिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि वी आर सिम्प्लीफाइंग दिस एक्सप्रेशन। इसके लिए हम लोग इस फॉर्म को रिकग्नाइज कर सकते हैं कि ये 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर टाइप का दिख रहा है। तो वी कैन राइट दिस एज y इक्वल टू टेन इनवर्स, टू अलग कर लेते हैं, दिस इज नाउ 3x रूट x, इसको लिख सकते हैं 3x की पावर 3 बाई 2 अपॉन 1 माइनस। अब अगर हम इसका स्क्वायर करें, दिस इज 3x की पावर 3 बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ये कैसे दिख रहा है 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। अब हम इसका रेंज चेक करते हैं 3x की पावर 3 बाई 2 का, तो वी कैन सी कि x 0 से 1 बाई 4 है, तो x की पावर 3 बाई 2 विल बी लाइंग बिटवीन 0 टू 1 अपॉन 8 और 3 टाइम्स ऑफ दैट इज 0 टू 3 अपॉन 8। तो क्लियरली हम इसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 2 टाइम्स tan इनवर्स t, t मतलब 3x की पावर 3 बाई 2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी आसान है। नाउ वी कैन राइट y डैश 2 टाइम्स tan इनवर्स का, अपन को पता है tan इनवर्स t का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब सीधा सीधा 9x क्यूब, लेकिन जिसको t माना वो t है ही नहीं। नाउ डिफ्रेंशिएट दिस 3 इंटू एक्स की पावर 3 बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन, दैट इज 3 बाई 2 इंटू एक्स की पावर हाफ, दैट इज रूट एक्स। ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा एंड नाउ वी कैन सी कि सिंस द डेरिवेटिव इन द इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एक्स इंटू जी एक्स, सो रूट एक्स हम लोग हटा देते हैं और जो बचा हुआ फंक्शन है दैट इज नथिंग बट 9 अपॉन 1 प्लस 9x क्यूब। तो इस चीज को हम लोग क्या कह सकते हैं, जी एक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, द आंसर विल बी